जैन साथियों, टाउन फिजिकल न्यूट्रिशन अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं एसएससी जीडी जो फिजिकल का डेट जारी हुआ है उसको लेकर के काफी लोगों के अंदर कंफ्यूजन आ चुका है, क्योंकि बहुत से हमारे भाई एसएससी जीडी का फॉर्म ऑनलाइन करने वाले थे। 54 लाख लोगों ने फॉर्म को ऑनलाइन किया है, जिसमें से 32 लाख लोगों ने एग्जाम देने वहां पे पहुंचे हुए थे। 32 लाख लोगों को इंतजार है फिजिकल देने का। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल तेजी से वायरल हो रहा है कि ये नोटिफिकेशन आया हुआ। और इसको लेकर के बहुत से हमारे भाई चिंतित भी हैं, परेशान भी हैं कि अरे यार, ये वाकई में रियल है या फेक है। तो बहुत से भाई हमारे अभी जिस साइट पे, सीआरपीएफ की साइट पे आया हुआ, लेकिन अभी जाने के बाद जब आप चेक करिएगा तो वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये देखने में तो वाकई में रियल है, लेकिन रियल में वहां पे आया भी था, इतना आप ध्यान दीजिएगा। ये आया कल की डेट में, उस टाइम बिल्कुल ये दिख रहा था वहां पे, लेकिन अभी वहां पे दिख नहीं रहा है। तो आप इतना जान जाइए कि जब भी फिजिकल की डेट आपका आएगा तो रिजल्ट आने के बाद ही डेट आएगा, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है तब तक फिजिकल कैसे आ जाएगा। लेकिन आप सभी लोगों के लिए एक सबक जरूर आया है कि यदि खुदा न खास्ते 15 तारीख यदि दे रहा है फिजिकल का डेट और उससे पहले रिजल्ट आ गया और 15 तारीख से आपका फिजिकल स्टार्ट हो गया, तो ऐसे में आप क्या कर पाइएगा। तो आपके लिए सतर्क होने के लिए एक चांस दिया गया है, ताकि आप सतर्क हो जाइए, अपने आप को रेडी रखिए। आप तैयारी करने के बारे में सोचिए मत, तैयार रहिए कि जैसे हमारी डेट आएगी हम जाकर के फिजिकल वहां पे अपना कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि देखिएगा, आप पिछला रिकॉर्ड उठा करके आप चेक कर सकते हैं, आधे से कहीं ज्यादा लड़के फिजिकल में छट जाते हैं। पिछला जो रिकॉर्ड उठा करके जो महिला कैंडिडेट थी, आधा, बिल्कुल आधा, एकदम करेक्ट आधा छटी हैं, और वहीं पुरुष भी आधे से थोड़ा सा नीचे छटे हुए हैं, और आधे से अधिक लोग कंप्लीट कर पाए। तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है, यदि ये नोटिस जारी हुआ है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि रियल भी हो। यदि रियल हुआ तो बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो फिजिकल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और हर साल की भांति इस साल भी वही होगा कि अरे यार, हमारा फिजिकल नहीं निकल पाया। तो आप अभी अपने फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि 5 किलोमीटर दौड़ना है, आपके पास 24 मिनट का टाइम है। तो ऐसे में बहुत से हमारे भाई हैं जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाते जाते अब उनको ही लगता है कि बस अब इसके बाद हम नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, ये होगा। रनिंग से कोई नहीं मरेगा, इतना आप जानिए। आप प्रैक्टिस तो करिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा वहां पे जाने के बाद आप तुरंत छट करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है। दौड़ने वालों के लिए कुछ नहीं है और नहीं दौड़ने वालों के लिए बहुत ऊंचा पहाड़ है, इतना आप जान जाइए। तो आपको एक सबक मिला है, आपको सीख मिला है, ताकि आप तैयारी में लग जाइए। नोटिस जारी हुई है तो वो रियल भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को तैयार रखिए, बिल्कुल तैयार। जिस तरह से हर एक चीज की आप तैयारी करते हैं, एग्जाम की आपने तैयारी किया, भरपूर तैयारी किया, तभी आप रिजल्ट के इंतजार में हैं। यदि आपको 1% भी आशा लगती हो कि मेरा नंबर अच्छा है, मेरा फिजिकल के लिए मेरा लिस्ट में नाम जारी हो सकता है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। क्योंकि यदि आप रिजल्ट का वेट करिएगा ना, तो हो सकता है कि मामला गड़बड़ हो जाए, कि आप रिजल्ट के इंतजार में, रिजल्ट एकदम मामला करीबी करीबा में आ जाए, 1 हफ्ते 10 दिन। क्योंकि इस टाइम जितनी वैकेंसियां चल रही है, सबका सब मिशन मोड के अंतर्गत चल रही है कि जो भी वैकेंसी निकाला जाए तत्काल प्रभाव से उसको कन्फर्म करवाया जाए, ताकि आने वाला जो चुनाव है आपका, आपके चुनाव में उसकी गिनती होगी कि हमारे सरकार में इतनी वैकेंसियां कंप्लीट हमने करवाया है, ताकि उसका प्रभाव पड़ सके चुनाव पे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप तैयार एकदम बिल्कुल रहिए, क्योंकि हर एक वैकेंसी पे विशेष फोकस दिया जा रहा है गवर्नमेंट का कि आप जितना जल्दी करवा सकते हैं उसको जल्दी में कंप्लीट करवाइए, क्योंकि एक से बढ़कर एक वैकेंसी आ रही है, एक अभी समाप्त नहीं हो रही है तब तक दूसरी वैकेंसी आ जा रही है। तो आपके लिए सुनहरा और जबरदस्त मौका है, आप तैयार रहिए, तैयारी करने के चक्कर में मत रहिए, आप स्वयं तैयार हो जाइए। तो आपके लिए जबरदस्त मौका है, आप फिजिकल अपना 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, और महिला कैंडिडेट को भी 1600 मीटर दौड़ना है वहां पे। फिर उसके बाद
हाइट की बात 170 सेंटीमीटर आपका है। तो इस तरह से आप अपने फिजिकल की तैयारी बिल्कुल ध्यान पूर्वक करिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप रिजल्ट के इंतजार में वहां पे फिजिकल में जाएं और छट जाएं। तो आशा करते हैं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।